हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग टिप्स की। स्टूडेंट्स, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी स्पीकिंग की इम्प्रूवमेंट करनी है और अच्छा स्कोर लेना है तो पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप पूरा कुछ भी नहीं देखेंगे तो मेरी गारंटी है कुछ भी समझ नहीं आने वाला कि सर ने क्या बोल दिया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट आते होते हैं पहले वीडियो को ऐसे स्किप करके देख लेते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता, फिर बोलते हैं सर अच्छे से समझ नहीं है। पहला वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, मेरी टिप्स जो आपको देने वाला हूँ सीक्रेट टिप्स, स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स हैं इन टिप्स की वजह से जिनके स्टूडेंट्स 4.5 एंड 5 बैंड से ऊपर स्कोर नहीं आ रहा था ना स्टूडेंट्स, उन्होंने इन्हीं टिप्स की मदद से स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मंथ में, किसी ने 2 मंथ में इजिली स्कोर हासिल कर लिया स्टूडेंट्स 6 एंड 6.5। ये तो मेरी गारंटी है कि स्टूडेंट ने इन टिप्स को थोड़ा सा गौर दिया, वीडियो को पूरा देखा, अच्छे से इनकी प्रिपेयर की स्टूडेंट्स, ओनली 1 मंथ की गारंटी देता हूँ। 1 मंथ के बाद आपने एग्जाम फिल कर दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, आपके 6 में से कम तो आएंगे नहीं, 6 तो गारंटी है स्टूडेंट में, 6 तो आप लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, आपको 6 तो लेने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप मेरी टिप्स को पूरा देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो अपने जो वीकनेस है जिनकी स्पीकिंग की, तो वो भी इजीली इम्प्रूव कर सकें स्टूडेंट्स इन टिप्स से। तो सबसे पहले टिप सारे स्टूडेंट्स, वो तो आपको अभी तक किसी टीचर ने बताई नहीं होगी स्टूडेंट्स, ये मेरी गारंटी है आपकी। तो टॉपिक को जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ तो आप भी इजीली फॉलो करेंगे, क्योंकि टिप्स है ही ऐसे मजेदार कि आप इन्हें खुद ही लाइक करोगे स्टूडेंट्स, इन टिप्स को देखना और अपनी जो डेली का लाइफ स्टाइल है उसमें करना, ताकि स्पीकिंग इम्प्रूव होगी स्टूडेंट्स, बहुत इंप्रूव होगी आपकी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले टिप्स स्टूडेंट्स, आपको किसी टीचर ने बताई नहीं होगी, आप बोलेंगे ये क्या बता रहा है भाई, ये तो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, वीडियो को तो अपनाए स्टूडेंट, टिप्स को अपनाइएगा जरूर स्टूडेंट्स, 1 मंथ में देखिए आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टिप्स क्या है स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ देखनी है। ये तो आप इजीली कर सकते हो ना स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो आप ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, हाँ भैया देख लेते हैं मूवीज़, कुछ तो है, तो होते बड़े शौकीन है, हाँ बस मूवीज़ को देखते रहते हैं, उनके लिए तो बहुत बेनिफिट की चीज़ है। फिर मूवीज़ आपको कैसे देखना है स्टूडेंट्स, आपको सिंपल से क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको नियरली 1 मंथ या फिर 20 to 25 डेज आपको मूवीज़ देखने हैं स्टूडेंट्स, बॉलीवुड की हॉलीवुड कोई भी देख सकते हैं आप, बट आपको देखनी वो वीडियो से दूर जिनके सब टाइटल साथ में आते हैं इंग्लिश में। इससे आपको दो चीज़ों का फायदा होगा स्टूडेंट्स, पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी, दूसरा आपकी स्पीकिंग स्किल्स वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होगी स्टूडेंट्स। आप करके देखेगा स्टूडेंट्स, आपको नियरली 1 वीक में फ़र्क दिख जाएगा अपनी स्पीकिंग में, कि हम कैसे अब बोलने लगे, पहले कैसे बोलते थे। ओके स्टूडेंट्स, 1 मंथ के जब आपको लगने लगा कि हाँ हमें सब टाइटल अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमने जैसे मूवी के आपको समझ में आएगा, जैसे वो हिंदी बोल रहे हैं इंग्लिश हाथ में नीचे आएगी, तो आपको अच्छे से उन लाइन का मीन्स ही पता लगेगा कि हमें ये वर्ड कैसे बोलना है और ये लाइन कैसे बोलनी है स्टूडेंट्स। ओके, 1 मंथ का आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी मूवी देखिएगा स्टूडेंट्स जिसमें ऑडियो भी इंग्लिश में हो और नीचे सब टाइटल भी साथ में आए, इससे आप क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका माइंड इंग्लिश को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर देगा, क्योंकि आप पहले जो प्रैक्टिस की होगी आपको, आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आप जब सुनिएगा उसको क्या कह रहे हैं आपको समझ में, मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स आपको खुद वो समझ आने लग जाए कि इंग्लिश मूवी ये क्या बोल रहा है, आपको उसकी खुद में आपका माइंड अपने आप उसकी हिंदी में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स, ऐसा आपका माइंड ये शार्प कर देगा स्टूडेंट्स। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके स्पीकिंग में तो कम आ ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, ये तो मेरी गारंटी है एक नंबर स्टूडेंट्स। ओके, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरी टिप्स की अपनी, तो दूसरी टिप्स है स्टूडेंट्स लिसन डिबेट, जैसे यूट्यूब पर कोई भी वीडियो खोल सकते हैं या फिर कन्वर्सेशन दे सकते हैं, जैसे इंट्रो होता है स्टूडेंट्स, इंट्रो होता है जैसे सेलिब्रिटी का इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे कोई भी आप लाइव शो दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में कुछ भी हो डिबेट हो सकता है कन्वर्सेशन हो सकता है, आप इंग्लिश में उनको सुनिएगा। रियली आपको एक दिन में क्या करना स्टूडेंट्स, 15 से 20 मिनट उस चीज़ को सुनना है, और उस चीज़ को स्टूडेंट्स सुनने से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से स्टूडेंट्स वो स्कोर कर लोगे, ये आपको बहुत ज़्यादा फर्क लाने वाला है स्टूडेंट्स। ये जो हिंदी या डिबेट की होती है स्टूडेंट्स, इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है, ये आपको जो बहुत ज़्यादा फर्क डालेंगे आप पर, तो ये टिप्स दूसरी टिप्स है स्टूडेंट्स, आप इस पर भी ज़्यादा ज़्यादा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम थर्ड टिप्स के स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, यह तो आपकी स्पीकिंग में ऐसे ज़्यादा ना 90 की स्पीड पर ले जाएगा इतनी आगे। तो बात करें स्टूडेंट थर्ड टिप्स की, तो आपको क्या करना स्टूडेंट, डेली सुबह उठ के आपको एक नीचे पर लेकर आना, ऐसा नहीं कि डेली न्यू परचेज करो, आप एक खरीद सकते हैं एक ही बहुत होगा आपके लिए, तो एक न्यूज पेपर खरीदेगा स्टूडेंट डेली, आपको क्या करना है उसे नियरली 30 to 40 मिनट रीड करना स्टूडेंट, सिर्फ रीड, समझ आपके कुछ आए या ना आए उससे आप कोई मतलब नहीं है,
बट आपको रीड जरूर करना है स्टूडेंट्स, 13-14 मिनट रीड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको रीड करना ही करना है। तो न्यूज़पेपर लीजिएगा, जैसे न्यूज़पेपर ले सकते हैं, स्टोरी बुक्स ले सकते हैं, कुछ बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे स्टोरी टाइप बुक्स पसंद करना पढ़ना पसंद करता है, जो कुछ स्टोरी अच्छी हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मैं सीधे फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझने को जरूरत नहीं क्या बोल रहा है, क्या कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, बस आपको सीधे अखबार उठाना और पढ़ने लग जाना जोर जोर से, जितनी फास्ट आपसे पढ़ाया जाता है उतनी फास्ट आपको पढ़ना है। इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी एक तो, और ग्रामर मिस्टेक्स भी कम होगी स्टूडेंट, जैसे जैसे आप बोलोगे ना आपकी जुबान जो होगी अपने आप उस तरह से हो जाएगी कि कैसे हमें बोलना है, कैसे आपको, जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, जब हम पैदा होते हैं स्टूडेंट्स लाइक एज आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, कुछ हिंदी से होते हैं, कुछ पंजाबी घरों से होते हैं, कुछ अलग से होते हैं, तो आपको कोई ये तो नहीं सिखाता ना स्टूडेंट्स कि आप ये लैंग्वेज बोलिए ये बोलिए, जैसे जैसे वो घर पर बोलते रहते हैं आप वैसे सीखते रहते हैं, आपको लिखना नहीं आता समझना नहीं आता पर बोल तो अच्छे ही लेते हैं, तो ऐसे होगा स्टूडेंट्स आपकी स्पीकिंग तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ये तो मेरी गारंटी है, आपको समझ में कुछ आए ना आए पर आपकी स्पीकिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ टिप्स की, किधर गई भैया फोर टिप्स शेयर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है अकेले में बैठ जाना है स्टूडेंट्स, एक मिरर को उठा कर देख लेना अपने सामने फ्रंट में रख लेना, आप कोई भी एक टॉपिक सेट कर लीजिए, सबसे पहले आपको ऐसे नहीं सबसे पहले टिप्स बनाना, पहले आपको 1 1 वीक जो मैंने पहले टिप्स बताई हैं स्टूडेंट्स पहले आपको वो फॉलो करनी है, फिर आफ्टर 1 वीक के बाद आपको ये टिप्स जो दे रहा हूँ इसे फॉलो करना है स्टूडेंट, आपको एक मिरर लेना है स्टूडेंट्स अपने आगे फ्रंट में रखना है स्टूडेंट्स मिरर को, और आपको एक टॉपिक सेट कर लेना, जैसे किसी भी चीज़ पर अपने टॉपिक इन्वायरमेंट पर ले सकते हैं, एजुकेशन पर ले सकते हैं, गुड्स पर ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर ले सकते हैं, पोल्यूशन पर ले सकते हैं, किसी पर एक टॉपिक लेना है उस पर बोलना स्टूडेंट्स, शीशे में अपना फेस को देखे, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स आपके जो अंदर भय बैठा हुआ है ना एग्जामिनर से, कुछ बच्चे पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, घबराए से आते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कांपड़े लग सकते हैं डर से, जैसे एग्जामिनर आपको खा ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत पड़ेगा, आपकी हेल्प करेगा बहुत स्टूडेंट्स, आपको हेजिटेशन तो बिल्कुल दूर कर देगा आपके, ये जो तरीका होने वाला है, तो ये स्टूडेंट्स टिप्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी स्पीकिंग इंप्रूव करने में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो स्टूडेंट्स हमेशा ही लेकर आता रहता हूँ, और ये टिप्स जो मैं आपको बता चुका हूँ इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वीडियो है आपके लिए। ओके सर, आप स्पीकिंग से रिलेटेड या फिर अदर टाइप राइटिंग से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सर आप किसी भी चीज़ की हेल्प हो या जरूरत हो तो आप यू कैन आस्क मी एंड आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई आल्सो अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम दैट मे आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू टू गेट बेटर बैंड्स फॉर यूर एग्जाम। स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू शुड शुड नी शुड मस्ट मस्ट फॉलो दिस टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग।